ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन के बारे में। वेल एज नो, यहाँ पर सैमसंग ने इंडिया के अंदर सैमसंग ने अपने A71 के लिए एंड्रॉयड 12.1 का जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट किया है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सैमसंग का जो 1UI 4.1 है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। जिस टाइम पर ये अपडेट को रिलीज़ किया गया था इंडिया के अंदर, तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि इस अपडेट को अपने, अगर आपका प्राइमरी हैंडसेट है या अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन एक स्टेबल फॉर्मवेयर पर रहे, तो इस अपडेट को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल ना करें। एंड वही चीज़ यहाँ पर हुई। ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में काफ़ी सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही है, एरर्स आ रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पर जो कैमरा है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दी गई है। लाइक अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा फ़ोटो आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो ख़राब कर दी गई है। साथ में यहाँ पर सैमसंग का जो स्लो मोशन मोड है, या मैं कहूँगा जो ये फीचर है, इसके अंदर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं तो फिर यहाँ पर जो फ्रेम ड्रॉप्स है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, बेहद हो रहे हैं। यहाँ पर यही नहीं, एंड्रॉयड 11 के अंदर भी जो फ्रेम ड्रॉप्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं स्लो मोशन के अंदर। तो ये तो मतलब एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर स्लो मोशन के लिए, कि अगर आपका फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं तो एक नॉर्मल बात है। और यहाँ पर सैमसंग का इस स्मार्टफोन के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस भी डाउन की गई है, हीटिंग इश्यूज बढ़ चुके हैं। तो काफ़ी सारे मतलब ये मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो आई हैं एंड्रॉयड 12.1 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में। उल्दो यहाँ पर एक चीज़ इंप्रूव की गई है, जो कि इसका यूज़र इंटरफेस, जो इसके एक एडवांटेज में आता है, यानी कि आपको 1UI 4.1 का जो यूज़र इंटरफेस है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील देने वाला है नोटिफिकेशन पैनल पर। एंड साथ में यहाँ पर कुछ नए फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि आप पोर्ट्रेट इफेक्ट्स को किसी भी फोटो के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर आपने पोर्ट्रेट मोड में उस फोटो को कैप्चर किया है या नहीं किया है। अब ये काम कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी फोटो कैप्चर करते हैं, अगर आप बैक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो टैप सेंसर वो काम करेगा एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा, उस फोटो में कलेक्ट हो जाएगी। एंड जब भी आप जो है बैक कैमरा से खींची हुई फ़ोटो को किसी भी फ़ोटो के अंदर पोर्ट्रेट इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर वो जो इफेक्ट, वो जो डाटा है, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन वो वर्क करेगी एंड आपको जो है काफ़ी अच्छा इमेज डिटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी। एंड यहाँ पर फ्रंट कैमरा के अंदर नॉर्मली AI की मदद से जो है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बट स्टिल प्रॉब्लम्स को देखते हुए मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।